पीएम आवास योजना के नाम पर अनेक सीनियर सिटीजन को ठगी का शिकार बनाया गया। मामले का खुलासा होने पर वरिष्ठ नागरिक देर रात थाने पहुंचे और जमकर हंगामा किया। अब पुलिस ठगों के गिरोह की पड़ताल में जुटी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक काजल शर्मा नाम की एक महिला है, जिसने शहर के अनेक वरिष्ठ नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर धोखा दिया है। उसने कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने का झांसा दिया, सभी से आवेदन भी भरवाए और आधार कार्ड, परिचय पत्र, बैंक के दस्तावेज हासिल कर लिए। काजल ने सभी को भरोसा दिलाया था कि जल्द ही उन्हें पीएम आवास मिल जाएगा, लेकिन अब तक किसी को आवास नहीं मिला, लेकिन सभी कर्जदार जरूर बन गए। काजल ने अपने जाल में वरिष्ठ नागरिकों को ही निशाना बनाया है। इन सभी से पीएम आवास के नाम पर आवेदन फॉर्म भरवाया गया, जिसका दावा था कि सीनियर सिटीजन को पीएम आवास में वीरता मिलेगी। उसी एवज में उसने सभी से 1 से 2 हजार रुपए भी लिए थे। इसके बाद उक्त महिला ने सभी के दस्तावेजों का दुरुपयोग करते हुए बैंक से बाइक और कार सहित दूसरे वाहन फाइनेंस करा लिए। लोगों को इसकी जानकारी तब हुई जब वाहन फाइनेंस की किस्त वसूलने बैंक के वाले उनके घरों तक पहुंच गए। पीड़ित लोगों ने महिला के बारे में पता लगाया तो वह कहीं नहीं मिली और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। पीड़ितों का कहना है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के कुछ कर्मचारी बुधवार को उनके घर पहुंचे। उन्होंने सभी को लोन के लिए वाहन की किस्त जमा करने के लिए कहा। इस पर लोग चौंक गए। उनका कहना था कि 2 वक्त की रोटी का तो इंतजाम नहीं है और वाहन कहाँ से खरीदेंगे। इसके बाद सभी लोग घमापुर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। काजघर हनुमान टोरिया क्षेत्र में कुछ रोज खाने कमाने वाले गरीब तबके के मेरे पास 5-6 लोग आए। उन्होंने आज जानकारी दी कि हमारे घरों पे बैंक के अधिकारी आकर गाड़ी की किस्त की मांग कर रहे हैं, जबकि हमारे पास ना कोई गाड़ी है, खाने तक की तो स्थिति है ही, तो हम गाड़ी कहाँ से चलाएंगे। जब उनसे जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि हमारे ही क्षेत्र की एक महिला, जो इसका नाम काजल शर्मा है, उसने हम लोग से हमारा आधार कार्ड और फ़ोटो ली थी और किसी को 1,000 और 2,000 रुपए की राशि दी और उनके नाम पे गाड़ियां फाइनेंस करा दी। तो ये सब गरीब लोग हैं। मैंने इन सबको आज इकट्ठा करके इनकी थाने में रिपोर्ट करवाई है और मैं प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि ऐसे फ्रॉड व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई की जाए और ये गरीब लोग हैं, इनको न्याय दिलाया जाए। कौन है काजल शर्मा? एक काजल शर्मा महिला है, उसका काम ही इस टाइप का है। बहुत समय से वो लोगों, गरीब लोगों को लोन के नाम पे पैसे लेती आ रही है और उसका मिसयूज़ करती है। कहाँ रहती है? वो काजघर हनुमान टोरिया में कनौजिया जी के घर के पास रहते। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के अंतर्गत हनुमान टोरिया निवासी काजल शर्मा नामक एक लेडीज ने, जिसके द्वारा कुछ गरीबों से उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसी सारी आइडियाँ ले ली गई और उनको बोला कि मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोन दिलाऊंगी, ऐसा आश्वासन, झूठा आश्वासन दे करके उनसे उनके सारे डॉक्यूमेंट ले लिया गया और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट के आधार पर उन लोगों ने गाड़ी को फाइनेंस करवाया। जब उन गरीबों के पास उनके बैंक का लेटर पहुँचता है कि आपके नाम से गाड़ियाँ फाइनेंस है, और वो गरीब जिसके पास रोज़ का कमाने का सिर्फ 200 रुपये आता, कुछ उसमें से रिक्शा चलाते हैं, कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी यापन करने के लिए ठेला लगाते हैं, ऐसे गरीबों के पास जिनके खाने का ठिकाना ही उनको गाड़ी लेने का, एक फर्जीवाड़ा करके काजल शर्मा नामक हनुमान टोरिया निवासी लेडीज ने किया गया, जिससे आज हम लोगों ने थाना गाँव पर अंतर्गत TI माननीय TI साहब को लेटर दिया गया है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की।